मन, वचन और काय जितने लोग बैठे हैं सबके पास में है। आप बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपके पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास अकेली काया है, मन नहीं है, वचन नहीं है। अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास में वचन और काया है मगर मन नहीं है। और ऐसे असंख्यात प्राणी हैं कि जिनके पास है मन भी है, वचन भी है और काया भी है, लेकिन उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। लेकिन उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। शरीर बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गए। अब आपने कभी ये सोचा कि जब शरीर बीमार होता है तो मन भी बीमार होता है, वचन भी बीमार होता है। आपका दिमाग टेंशन में आ जाता कि नहीं आ जाता? टेंशन हो तो बीमारी हो जाती है, या बीमारी हो, दोनों बातें हैं ना। यदि टेंशन रहेगी तो बीमारियां आएंगी, और बीमारी यदि मान लो टेंशन नहीं है और बीमार हो गए तो टेंशन आ जाएगी। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मन, वचन, काया, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये तार इतना जुड़ा हुआ है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। यदि दिमाग में ज़्यादा दिन टेंशन रहे तो कौन सी बीमारी हो जाती है? डिप्रेशन पहली। दूसरी बीमारी शुगर। शुगर भी तो होती है, डिप्रेशन से ही तो, टेंशन से ही तो होती है, हैं? और कौन सी बीमारी होती है? हार्ट। हाँ, हार्ट अटैक तो टेंशन से ही आता है। हार्ट प्रॉब्लम तो टेंशन से ही होती है, सबसे पहले तो वहीं अटैक पड़ता है ना। इसके साथ में ये बीमारी तो एक सामान्य जो फेमस है, लेकिन इसके अलावा यदि आपको ज़्यादा टेंशन रहती है तो एक बीमारी और होती, शायद आपको पता नहीं है, जिसको ज़्यादा टेंशन रहती है उसका पेट साफ नहीं होता। हाँ नहीं, ये गारंटी फैक्ट बात है ये, और ये छोटी बीमारी नहीं है। इसको हम छोटी मानते ज़रूर हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होना जिसका नहीं होता है ना, बेचारा वो ही जानता है कि 24 घंटे पेट ही पेट नज़र आता है। ऐसा है कि नहीं है? यानी ज़्यादा टेंशन से पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं हुआ तो गैस बनेगी, गैस बनेगी अजीर्ण होगा, जो खाना चाहते वो खा नहीं पाओगे। अब खाने में टेंशन, इसमें टेंशन, फिर जब ज़्यादा गैस बनेगी तो सिर में पहुँचेगी तो सिर दर्द। यानी टेंशन से एक नहीं, शरीर की अनेक बीमारियां होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मन शरीर से जुड़ा हुआ है। फाइनल? अरे बोलिए ना, फाइनल कि मन शरीर से जुड़ा हुआ है। अब वचन शरीर से जुड़ा हुआ है कि नहीं? वचन को अलग कर दें क्या कि मन और शरीर ही जुड़ा हुआ है? वचन भी जुड़ा हुआ है। अच्छा अब आप देखो, वचन यदि कोई हित, मित, प्रिय, अच्छे वचन बोलता है तो घर में शांति रहती है, मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, घर का वातावरण स्वर्ग सा रहता है। जिसका वचन अच्छा होता है उसके घर में कलेश कम होता है। जो सम्मान देके चलता है, सम्मान की बात करता है, एक दूसरे को बड़ा बना के चलता है, एक दूसरे को अच्छी प्रशंसा करता है, एक दूसरे की तारीफ करता है, तो उसके घर में शांति का वातावरण रहता है ना। और जब शांति का वातावरण रहेगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि वचन स्वस्थ हैं, स्वस्थ वचन यानी अच्छे वचन, प्रिय वचन, हितकारी वचन, क्रोध नहीं करने के वचन, मान कषाय नहीं करने के वचन, माया और लोभ नहीं करने के वचन, हिंसात्मक वचन नहीं बोलना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के वचन नहीं बोलना, तो जब ये वचन नहीं बोलेंगे तो इनके माध्यम से घर में शांति रहेगी, और घर में शांति रहेगी तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, और तुम्हारा मन शांत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आ गए शरीर पे? अरे बोलिए ना, आ गए ना। इसका मतलब वचन, मन और काया तीनों जुड़े हैं।
जिस जो ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, ज़्यादा दिन भर अपने घर वालों को डांटता रहता है, जो दिन भर गुस्सा करता रहता है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या घर का वातावरण खराब हो गया, घर में कलेश का वातावरण हो गया। अब घर से तुम निकलोगे, दुकान जाओगे, तो ग्राहक से भी ढंग से बात नहीं करोगे, वहाँ ग्राहकी में भी मन नहीं लगेगा, तो पैसा नहीं आएगा। अब पैसा नहीं आएगा तो फिर वो टेंशन अलग, फिर दुकान नहीं चली तो घर में दोबारा आके फिर गुस्सा किया। अब बाहर वालों पे तो करोगे नहीं, फिर घर वालों पे फिर गुस्सा किया, फिर कलेश हुआ, फिर अशांति हुई, फिर वही वातावरण। तो एक वातावरण इतना ख़राब हो जाएगा घर का कि ऐसा लगेगा घर से निकल के भाग जाओ। और यहाँ तक कि ज़्यादा कलेश हो जाए तो संबंध भी टूट जाते हैं, ज़्यादा कलेश हो जाए तो संबंध भी टूट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल शरीर का इलाज नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल मात्र शरीर की दवाई की आवश्यकता नहीं है, इसमें मन भी बीमार है, वचन भी बीमार है और काया भी बीमार है। तो जब आप बीमार होते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर खुश हो जाता है, आहा चल एक मरीज़ तो आया। वो भी आपसे कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अच्छा आपका सिर दुख रहा है, फटाफट उसने पर्चा बनाया, लो दवाई ले लेना, 3 टाइम की दवाई है, 3 दिन बाद आके दिखा लेना। एक बार फीस लगी, फिर दोबारा फीस लगेगी, दवाई का खर्चा अलग और खाने में जो शरीर ख़राब हो रहा है वो अलग। अंग्रेजी दवाइयाँ हर दवाई के साथ अपना साइड इफ़ेक्ट लेकर आती है। अंग्रेजी दवाई, कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसके साथ उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि सिर की दवाई लोगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, पेट की दवाई लोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, हैं दर्द की दवाई लोगे तो किडनी ख़राब हो जाएगी। विटामिन लो, दवाई वाले बैठे यहीं पर हैं, दवाई वाले खुद ही बैठे यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं कि विटामिन और कैल्शियम की जो दवाइयाँ होती हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। A to Z मतलब एक भी नहीं बची हैं, चाहे पाउडर हो चाहे कोई दवाई हो, ठीक है ना। तो आपका यदि शरीर बीमार हुआ तो आपने इलाज किसका करवाया? शरीर का। बीमार क्यों हुआ इस पर गए क्या आप? वचन बीमार है, मन बीमार है, इसीलिए शरीर बीमार है। क्या कहा मैंने? मन बीमार है, मन में सोच अच्छी नहीं है, मन के विचार अच्छे नहीं हैं, इसलिए वचन खराब निकलते हैं। जब वचन खराब निकलते हैं तो घर का वातावरण खराब होता है, जब घर का वातावरण खराब होता है तो शरीर बीमार होता है। जिसके यहाँ जितना कलेश उतनी ज़्यादा बीमारियाँ, जितना ज़्यादा कलेश उतनी ज़्यादा बीमारियाँ, और जितनी ज़्यादा बीमारियाँ उतना खर्चा दवाइयों का उतना ज़्यादा। यदि उतना खर्चा यदि कहीं दान में लगाएं, किसी के उपकार में लगाएं, किसी अच्छे काम में लगाएं, तो पता नहीं कितना पुण्य कमा लें। लेकिन मन की सोच को गलत करके पहले वहाँ से पाप कमाया, फिर वचन गलत बोल करके वहाँ से पाप कमाया, और फिर वो निकला शरीर से। जब पाप का बंध होगा तो उदय किसका आएगा? अरे बोलिए ना, आम का बीज बोओगे तो कौन सा पेड़ होगा? आम का। और बबूल का बीज बोओगे तो बबूल का, और गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब का, है ना। और इमली का बोओगे तो इमली का, जो बीज डालोगे वो आएगा। अब मन की सोच खराब करी, वचनों को खराब किया तो शरीर बीमार हुआ। फिर कहते हे भगवान हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कहते नहीं कहते अपने आप को तो ऐसा बताते जैसे साधु संत हों, जंगल में साधना करने वाले हों, ऐसे शुद्ध बता दे भगवान मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, बिल्कुल सीधा साधा प्राणी हूँ, भगवान मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं मैंने आज तक तो। अरे दूसरे का बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा वो बात की बात है, गलत सोच करके खुद का तो बिगाड़ लिया, गलत बोल करके खुद का भी बिगाड़ा और दूसरों का भी बिगाड़ा। जब गलत बोलोगे तो तुम्हें भी टेंशन होगी और सामने वाले को भी होगी, तो तुम भी बीमार और सामने वाला भी बीमार। इसका मतलब मन, वचन और काया तीनों के हॉस्पिटल होने चाहिए।
अरे बोलिए ना, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ, मन का अलग, वचन का अलग और काया का अलग। जब कोई बीमार होता है तो पहले किसकी दवाई लेनी चाहिए? मन की, वचन की, काया की? किसकी दवाई लेनी चाहिए? वचन की लेनी चाहिए। भाई टंकी में पानी जैसा भरा होगा वैसी तो नल में आएगा, जैसे विचार दिमाग में भरे होंगे वैसे तो मुंह से निकलेंगे, तो पहले किसकी दवाई करनी चाहिए? अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं, हैं? हाँ, मन की दवाई करनी चाहिए और वचन की और काय की। काय के लिए तो बहुत हॉस्पिटल हैं संसार में, इतने हॉस्पिटल हैं, संसार की बात कर रही हूँ, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इतने हॉस्पिटल हैं, लेकिन बीमारी ऐसी आई कि सारे हॉस्पिटल कम पड़ गए। उस हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मन खराब था। किसका खराब था? जिसका खराब था उसने वायरस छोड़ दिया। जिसका मन खराब था उसने वायरस छोड़ दिया। भारत वालों का मन खराब नहीं था, उसने नहीं छोड़ा। अमेरिका वालों का नहीं था, उसने नहीं छोड़ा, लेकिन किसने छोड़ा? चीन ने। वो भगवान को मानती नहीं है, वो आत्मा परमात्मा को मानती नहीं है, वो साधु संत को मानती नहीं है, वो चार कषाय पांच पाप को जानते ही नहीं है, हिंसा से पाप लगता उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ शिक्षा ही नहीं है। और जब इस बात की वहाँ शिक्षा नहीं है तो ऐसे ही काम होंगे, ऐसे ही काम करेंगे, खुद दुखी होंगे और दूसरों को दुखी करने में उन्हें सुख मिलेगा। इसको कहते हैं रौद्र ध्यानी। क्या कहते हैं? रौद्र ध्यानी। उन्हें दूसरों को दुखी करने में सुख मिल रहा है, यानी कि अब सारी दुनिया परेशान है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे, मज़ा आ गया, यही तो सोचा था, अच्छे वायरस तब जाए और सब बीमार हों और सब परेशान हों। हैं, एक बार तो वो परमाणु बम भी पटका गया था कहीं पर, हिरोशिमा में, हैं, सुबह सुबह जिसने पटकवाया था उससे जाके पत्रकार ने पूछा, भाई इतने लोग मर गए, इतना विनाश हो गया, इतने लोग परेशान हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है? उससे पूछा कि आपने जो बम पटकवाया है आपको कैसा लग रहा है? उसने पता क्या जवाब दिया? जिंदगी में पहली बार अच्छी नींद आई है। ये था रौद्र ध्यानी। दूसरों को दुखी करने में सुख मिल रहा है। इनका मन भी खराब है, इनका वचन भी खराब है, इसीलिए ये सबको खराब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मन का इलाज, फिर वचन का इलाज। वचन का इलाज, कई बार आदत पड़ जाती है बोलने की, अब मन में भाव नहीं है कि सामने वाले को गाली दें, मन में भाव नहीं है, लेकिन आदत इतनी पड़ी है, इतनी आदत पड़ी है गाली देने की, कि हर चार शब्द के बाद मुंह से अपने आप गाली निकल जाती है, हर चार शब्द के बाद गाली निकल जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने गाली दे भी दी। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग तो इस कारण से साधु संतों के पास नहीं जाते हैं कि कहीं वहाँ गड़बड़ ना हो जाए, और जगह गड़बड़ हो जाएगी तो फिर भी चल जाएगा, वहाँ के गड़बड़ हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो साधु संत से बातचीत ही नहीं करते हैं। मेरी आदत खराब है, मेरे वचन खराब हैं, मेरे मुंह से ऐसी बातें अपने आप निकल जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कब कैसी निकल जाती हैं, ऐसे संस्कार वचन को पड़े हुए हैं। अब इसके लिए आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ रीडर हैं जब वो पढ़ती हैं तो आपके पढ़ने में और उनके पढ़ने में कोई अंतर होता है? जो एंकर वहाँ बोलते हैं माइक पे, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। एक न्यूज़ रीडर जैन थी, वो किसी न्यूज़ वाले उसमें काम करती थी बोलने का काम, अब वो यहाँ आई तो उसने यहाँ सब कुछ देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, तो उससे रहा नहीं गया, बोले मैं यहाँ के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। अब वो इतना अच्छा बोली, इतना अच्छा बोली, मैंने कि आखिर एक महिला जिसको हम ये मानते कि उसको बोलना ही नहीं आता है, माइक पे खड़ी नहीं हो सकती, और ये इतना अच्छा कैसे बोल रही है? तो मैंने उससे पूछा, बहन जी आप इतना अच्छा कैसे बोल रही हूँ? बोले मैं न्यूज़ रीडर हूँ। तो मैंने कहा आप न्यूज़ रीडर तो हैं मगर आप इसके साथ में आपने कभी ट्रेनिंग वगैरह ली? बोले हाँ, बोलने की ट्रेनिंग मिलती है,
कि ओंठ कैसे होने चाहिए, दांत कैसे होने चाहिए, बोलते समय चेहरा कैसा होना चाहिए, उसके भाव कैसे होने चाहिए, है हाथ कैसे हिलने चाहिए, एक एक चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है। मैंने कहा तभी, यानी कि मन को भी संस्कार दिए जाते हैं सोचने के, वचन को संस्कार ट्रेनिंग दी जाती है बोलने की, तब जाके वो इतना अच्छा बोल पा रही थी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे बोलिए ना, आपको भी उस ट्रेनिंग की, कि हम जो बोलना चाहे वही निकले मुंह से, कुछ और ना निकले। इतना कंट्रोल उनके पास में होता है, पत्रकारों के पास में, नहीं तो मामला सारा गड़बड़ हो जाए। पत्रकार तो उनका काम ही बोलने का होता है, और यदि वो कंट्रोल से ना बोलें तो उनको तो नौकरी से निकाल दिया जाए। इसका मतलब इस बात की ट्रेनिंग होती है कि बोलना कैसे चाहिए, कब बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, क्या बोलना, किससे बोलना, इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसका मतलब इसकी ट्रेनिंग की भी आपको आवश्यकता, नहीं नहीं आपको नहीं, किसी और को। आप सब तो होशियार हैं, आप सब तो बढ़िया बोलते होंगे। अभी बुलवाऊँगी ना आपसे, अभी अभी मैं बोलने के बाद आपसे बुलवाऊँगी कि देखो आप लोग कितना अच्छा बोलते हैं। तो मन के साथ साथ वचन को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है ना। शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन और वचन को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। लेकिन हर आदमी एक एक दिन में 10-10 गोलियां खाना तो स्वीकार करता है, मगर मन को साधना में, मन को संयम में लाना स्वीकार नहीं करता है। वो वचनों से अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करता है। चाहे वो दिन भर गोलियां खा ले, इंजेक्शन लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मन और वचन की साधना बहुत बड़ी साधना है। क्या कहा मैंने? मन और वचन की साधना बहुत बड़ी साधना है। जिसने मन और वचन की साधना कर ली, उसका जीवन ऐसा निखर के सामने आएगा कि आप देखते रह जाओगे कि इसके अंदर परिवर्तन ऐसे कैसे आया है। और सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इस काले सिर वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो जितने हॉस्पिटल संसार में हैं और जितने डॉक्टर संसार में इस शरीर के हैं, इतने ही डॉक्टर यदि मन के पैदा हो जाएं, इतने ही हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को आप साधना केंद्र बोल दो, आप ध्यान केंद्र कह दो, तो वहाँ जाकर मन को कैसे साधा जाता है, मन को कैसे संयम में लाया जाता है, इस बात का यदि वहाँ पर संस्कार ले लिया जाए तो जीवन, थोड़ा सा बढ़ाना, जीवन एक अपने आप ही निखर के सामने आ जाएगा। जितने मंदिर बन रहे ना, जितने जरूरी मंदिर है ना, मंदिर से ज़्यादा जरूरी अब साधना केंद्र की है। मंदिर में जाते हो, कल भी परसों मैंने बताया था कि मंदिर में जाके क्या करते हो, चावल चढ़ाते हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो और अपने वापस चले आते हो, भगवान का अर्घ चढ़ा लिया, ज़्यादा हुआ तो एक आध बिनती पढ़ ली, और कोई थोड़ी ज़्यादा महिला हुई धर्मात्मा तो भक्तांबर पढ़ लिया, पुरुष धर्मात्मा हुआ तो उसने अभिषेक कर लिया, भगवान के दर्शन किए आपने। इतना सब कुछ जो मैंने अभी बताया है, इतने में भगवान के दर्शन हुए क्या? प्रभु पतित पावन की बिनती पढ़ रहे, परिक्रमा लगा रहे, प्रभु पतित पावन में अपमान चलने, ऐसे तो पढ़ते हैं। जैसे आप प्रभु पतित पावन की बिनती पढ़ते हैं, ऐसे यदि फिल्मी गाने बनने लगे तो आप सुनना पसंद करोगे? जैसे आप भक्तांबर पढ़ते हो, भक्तांबर अपने तमाली मणि पढ़ो मध्योत्कम दिल्ली और सम्यक पुंजन पादी गुण भालम जो, जैसे आप पढ़ते हो ना, ऐसे यदि फिल्मी गाने बनने लगे तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? जब आप खुद सुनना नहीं पसंद कर रहे हो और भगवान को जब ऐसे सुना रहे हो तो क्या भगवान पसंद करेंगे? हालांकि भगवान रागी द्वेषी नहीं है, उन्हें पसंद और नापसंद नहीं है, लेकिन जो चीज़ खुद को पसंद नहीं है वो चीज़ तुम क्यों धर्म के लिए करते हो? भजन भी गाओ तो ऐसा गाओ आनंद, खुद को आनंद आ जाए, खुद का मन शांत हो जाए, खुद को प्रसन्नता हो जाए। तो भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हो,
अब मंदिर का जो स्थान है वो काया को स्वस्थ करने का है या मन और वचन को स्वस्थ करने का है? अरे बोलिए ना, मन और वचन को। हुआ आज तक? अरे बोलिए ना, समाज में लड़ाइयाँ हैं कि नहीं है? हैं, घरों में लड़ाइयाँ हैं। अच्छा, वो भी हैं। मंदिर रोज़ जाते हो? अच्छा, मंदिर भी जाते हो और लड़ाई भी है। अच्छा, प्रवचन सुनते हो? अरे बोलिए ना, प्रवचन भी सुनते हो। घर में लड़ाइयाँ तो बंद हो गई होंगी? नहीं हुई? ओहो, मतलब दवाई भी खा रहे हो फिर भी बीमार हो। तो कैसी दवाई है? दवाई का मतलब प्रवचन सुन रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। मंदिर जा रहे हो, दवाई खा रहे हो। माला फेर रहे हो, दवाई खा रहे हो। पूजा कर रहे हो, दवाई खा रहे हो। किसकी दवाई? मन की दवाई। हम दवाई भी खा रहे हैं और हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कमी किस में है? दवाई में कमी है या हम में कमी है? या दवाई खाने का तरीका सही नहीं है? दवाई खाने का तरीका सही नहीं है, यही अर्थ निकला ना इसका। तो भाई, अब एक बैद जी थे, उनके पास एक आदमी गया, बोले बैद जी मुझे बहुत खांसी है और मैंने कई वैद्यों को दिखा लिया, मुझे 2 साल हो गए, मेरी खांसी आज तक ठीक नहीं हो रही है। तो वैद्य ने कहा ठीक है, मैं दवाई देता हूँ। वो समझ गया ये परहेज़ नहीं करता होगा, क्या खांसी तो बहुत है, ना तो इमली की खटाई छोड़ रहा होगा, ना आम की खटाई छोड़ रहा होगा, ना फ्रीज का ठंडा पानी छोड़ रहा होगा, ना आइसक्रीम खाना छोड़ रहा होगा, है दिन भर ठंडा ठंडा खाता होगा और फिर दवाई भी खाता होगा, तो असर कहाँ से करेगी? तो अब बैद जी ने कहा कि ठीक है भाई, तू दवाई ले ले। बोले उसने कहा बैद जी पैसा कितना ले लो मगर मेरी खांसी ठीक कर दो, कि मेरी खांसी चली जाए। बोले बिल्कुल चली जाएगी, गारंटी से चली जाएगी। बोले इसके 3 फायदे हैं। भाई भी क्या फ़ायदा है? तो बोले इसके 3 फायदे ये हैं, एक तो तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरा तेरे पास में कुत्ते नहीं आएंगे, तीसरा तेरे पास में तेरे घर में चोर नहीं आएंगे। दवाई खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो बोले बुढ़ापा भी नहीं है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि चोर ना? बोले देख, तू दवाई खाएगा? बोले हाँ। बोले इमली छोड़ेगा? नहीं। आम की खटाई छोड़ेगा? नहीं। पना पीना छोड़ेगा? नहीं। ठंडा पानी छोड़ेगा? नहीं। बर्फ़ छोड़ेगा? नहीं। तो बोले देख, तू दवाई भी खाएगा और दवाई असर करेगी नहीं, और तेरी खांसी सदा रहेगी। तो रात में ज़्यादा होती है खांसी, तो रात को जब तू खांसता रहेगा तो चोर नहीं आएंगे तेरे घर। क्या? तेरे घर चोर नहीं आएंगे। अब तू खांसते 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 तेरी पसलियाँ सारी खराब हो जाएंगी, तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तेरी कमर खराब हो जाएगी, तो तू लाठी लेके चलेगा तो तेरे पास कुत्ते नहीं आएंगे, हैं? और जब तू परहेज़ नहीं करेगा तो तेरा जल्दी से ही जब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो फिर जिएगा कैसे? तू मर जाएगा, तो तेरा बुढ़ापा भी नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई कोई भी खांसी की दवाई है, परहेज़ तो करना पड़ेगा। हम मंदिर भी जाते हैं, हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन सारी चीज़ में परहेज कोई नहीं है। जैसे एक चींटी थी, तो वो जो है एक अपनी जो दुकान में रहती थी उस चींटी के से मिलने गई। ये चींटी नमक की दुकान में रहती थी, वो चींटी चीनी की दुकान में रहती थी। तो नमक की दुकान वाली चींटी अपनी बहन चीनी वाली दुकान वाली से मिलने गई। तो उसने सोचा कि चल जा रही हूँ तो मिल के फिर अपने वापस आ जाऊँगी। अब वो गई तो उसने उसको चीनी खिलाई। क्या खिलाई? चीनी खिलाई। भाई जिसके यहाँ जो होगा वही तो खिलाएगा। और उसने उसको चीनी खिलाई। अब चीनी खिला करके बोली है ना मीठी? बोले नहीं, तेरी चीनी तो मेरे नमक जैसी है। बोले हो ही नहीं सकती है। बोले नहीं, मैं तो बता रही, मैं तो खा के बता रही, नमक ही जैसे जैसे मेरा नमक है वैसी तेरी चीनी है। बोले पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो बोले एक काम कर, तू मुँह खोल अपना। तो उसने अपना मुँह खोला, तो वो अपने जहाँ घर से आई थी उसने सोचा था कि पता नहीं उनके यहाँ का खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा अपना नमक ले चलूँ। तो मुँह के कोने में एक नमक की डली लेके आई थी। बोले इसको निकाल। उसको निकाला, बोले अब खाए चीनी। बोले वाह, ये चीनी तो
बहुत बढ़िया है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। आप कुछ समझे नहीं समझे? नहीं समझे, चलिए मैं बताती हूँ। अब मंदिर आते हैं, अब मंदिर में आए तो हम पहली बात तो लक्ष्य बना के नहीं आते हैं कि हमें मंदिर में जाके करना क्या है, और बनाते भी हैं तो सारे काम बिना भाव के होते हैं। माला भी फेर रहे हैं, हाथ में माला है, मुंह में नमोकार मंत्र है, और मन दुनिया में घूम रहा है। माला नहीं हुई आपकी पूरी, पूजा कर रहे हो वो भी ऐसे ही हो रही है, अभिषेक कर रहे हो वो भी ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा मन लगता है थोड़ा नहीं लगता है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन गया, किसके यहाँ क्या हो रहा, सब बातें कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, और अपना सारा काम भी चलता रहता है और धर्म भी चलता रहता है। बोले मामला भी गड़बड़ है। तो बोले क्या करना? तो बोले जब आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले तो मौन लेके निकलो कि जब मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा। जब मुझे किसी से बात नहीं करनी है तो मेरी नज़र भी यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। फिर जब आप भगवान को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर में होगा आपका। जब केवल मन भगवान में टिक जाएगा तो मन में अपने आप ही भगवान संबंधित विचार आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में पूजा करो तो एक एक शब्द पे ध्यान होना चाहिए। इधर तो पूजा चलती है, हैं विनय पाठ, विनय पाठ पढ़कर इधर ये चल रहा उधर वो चल रहा, और वो लाइन है ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जलबिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो। कब निकल जाती है फास्ट वो राजधानी एक्सप्रेस होती ना, कितने स्टेशन छूट जाते पता ही नहीं चलता। अच्छा विनय पाठ ख़त्म हो गया, चल अब पूजा शुरू कर लें। अब पूजा शुरू तो कर ली, पता है कि पूजा शुरू करी, अब ख़त्म कब हो गई? जयमाला पूरी हुई, अब पता चला अच्छा ख़त्म हो गई पूजा। यानी दिमाग को रटी पड़ी है पूजा, दिमाग लगते ही नहीं है पूजा करने में। अब बताओ पूजा हुई क्या? नहीं हुई ना। दिमाग में विचार चलते रहे, बेटा ऐसा बेटी ऐसी, दुकान ऐसा घर ऐसा, गृहस्थी ऐसी रिश्तेदार ऐसे ग्राहक ऐसा, दिमाग में विचार ही विचार चलते रहे और पूजा भी समाप्त हो गई। अब पूजा हुई क्या? नहीं हुई। तो जैसे वो चींटी जब नमक की डली अपने मुंह में रख के वहाँ ले गई तो उसे चीनी का स्वाद नहीं आया, ठीक ऐसे ही अपने घर के विचारों को जब आप अपने मंदिर में लेकर के जाएंगे तो आपको मंदिर का स्वाद भी आने वाला नहीं है। कि मंदिर में लगता कैसे है, मंदिर में भाव कैसे उमड़ते हैं, भगवान के दर्शन करने से कैसी प्रसन्नता होती है, जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे तब तक आपने समझना अभी दर्शन किए ही नहीं है। वैसे एक परंपरा है, हम लोग जैनी है ना रोज़ मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ हम नहीं जाते तो फिर समाज वाले क्या कहेंगे कि वो मंदिर नहीं आता है, इसलिए तो जाना ही पड़ता ना। हमने बहू से भी कह दिया है रोज़ जाया कर बेटा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्यों जा रहे हैं मंदिर, लोग क्या कहेंगे हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि इसके लिए मन की साधना जरूरी है, और उस मन की साधना के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था अब करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग मोबाइल के आने के बाद इतना भटक गए हैं, इतना भटक गए हैं कि अब सारी दुनिया से सिमट के केवल एक मोबाइल में रह गए हैं। अभी कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ जो जिनका मोबाइल चल रहा होगा, चल रहा क्या? नहीं चल रहा, चलो ठीक है, बहुत अच्छे लोग बैठे यहाँ। नहीं तो ऐसे लोग भी होते हैं कि बैठे तो प्रवचन में हैं और मोबाइल शुरू। अब आप मंदिर जाते हो दर्शन करने, आप यहाँ आए होंगे दर्शन करने, तो दर्शन करते ही सबसे पहले मोबाइल, अरे सेल्फी ले ले भगवान के साथ, ऐसे खड़े हो जा, अरे मंदिर बहुत अच्छा है ऐसी सेल्फी ले ले। अब करने क्या आए थे तुम, पहले ढंग से दर्शन तो कर लो, भगवान को ढंग से देख तो लो पहले, कि तुम्हें सेल्फी याद आ गई, पहले फ़ोटो याद आ गई, वो तो बात की बात है। हैं अभी किसी की डेथ हो रही हुई हो क्या याद आता है, सच बताना। हैं मेरे ख्याल से जब कोई किसी की जाते हैं तो जाते समय लोग पैर छूते हैं, ऐसा है क्या, है क्या परंपरा ऐसी? हैं फ़ोटो भी खींचती होएगी, ढोक देते फ़ोटो भी खींचती होएगी। अब मुझे बताओ कि उस समय ध्यान कहाँ रहता है, बेचारा आदमी को तो विदाई दे रहे हो और ध्यान तुम्हारा फोटो में है। इतना भटक गया है, इतना चित्त चंचल हो गया है मोबाइल से, इतना मन चंचल हो गया है कि अब स्थिर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब इंसान भोजन तो छोड़ सकता है, मोबाइल नहीं छोड़ सकता है,
खाने का उपवास तो कर सकता है, मोबाइल का उपवास नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अब जैसे मोबाइल पास में है, मौन भी नहीं ले सकते, किसका मोबाइल कब आ जाए पता नहीं, घंटी बज जाए, यही है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि अब मन की साधना के अब कुछ केंद्र खोले जाएं। अब समय आ गया है, पहले इतना ज़रूरी नहीं था, लोग शांत थे, अपने गए मंदिर, अपने खा रहे पी रहे, आराम से रह रहे, कोई थी लड़ाई झगड़े पहले भी थे, लेकिन जितनी चंचलता अब है, जितना दुख अब बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अब आवश्यकता है कि साधना केंद्र स्थापित किए जाएं। यदि जितने ज़्यादा साधना केंद्र से पाठशालाएँ चलती है ना मंदिर में, ऐसा एक वहीं कहीं एक साधना केंद्र भी होना चाहिए, जहाँ पर जो है जितने वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनको ही दे दिया जाए, जिम्मेवारी उनको ही दे दी जाए, लेकिन वो जब उनको ही नहीं आता है तो वो क्या करेंगे। तो जितने पंडित हैं आज के समय में, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है, संस्कार देने की ज़रूरत है। हम पंडितों की बुराई करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ यदि उन्हें अच्छे संस्कार दे दिया जाए और उन्हें लाइन पे लगा दिया जाए तो वो भी बुरे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पंडित हैं। तो इस तरह से साधना केंद्र खोलने की ज़रूरत है। बहुत सारी ब्रह्मचारिणी दीदी हैं जो घर में रहती हैं, अब घर में रहती तो घर तो घर ही होता है ना, यदि साधना केंद्र खोलकर यदि उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए तो उन्हें उनका अपना जीवन का सदुपयोग भी होगा और लोगों का भला भी होगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा। उसके लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि यहाँ पर ध्यान केंद्र के लिए एक तो यहाँ बनवाने का भी है कि बनवाऊँगी, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं शिविर लगा सकती हूँ, ट्रेनिंग देते हैं ना, बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी नहीं समझ सकेगा भाई क्या करना कैसे करना, एक बार तो बताना ही पड़ेगा सबको। तो यहाँ पर मैं शिविर लगा सकती हूँ और सब लोग यहाँ पर आएँ, उस शिविर में सीखें, और जो हमारी युवा महिलाएं हैं, आज घरों में लड़ाइयाँ क्यों हैं, क्योंकि उनके पास में एनर्जी ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, लेकिन कहाँ लगाएं वो स्थान नहीं है। यदि उनका मन, युवा महिलाओं का मन जो घर में रहती हैं, यदि उनको ट्रेनिंग देकर उनसे ध्यान केंद्र चलवाए जाएँ, वो सब संभाल लेंगी। जब एक टीचर स्कूल और घर दोनों संभाल सकती है तो ध्यान केंद्र और घर कैसे नहीं संभाल सकती है, दोनों संभाल सकती है। तो हमारी जो युवा महिलाएं हैं उनको शिक्षा दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनके माध्यम से फिर इसका प्रचार प्रसार करवाया जाए तो उन्हें भी लगेगा नहीं हम कुछ कर रहे हैं, जीवन में संतुष्टि आती। अब घर में वही रोटी, वही बर्तन, वही पानी, बोर हो जाती हैं, वो भी एनर्जी ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है उनके पास में, लेकिन दिमाग को सही जगह लगाने का स्थान उनके पास नहीं है। तो मेरे मन में जो विचार आया कि मैं यहाँ पर जो हमारे युवा भाई हैं, लड़के हैं, वो भी कर सकते हैं, वे दिन के समय जॉब करते हैं, रात के समय में थोड़ा बहुत एक आध घंटे का टाइम उसमें सेंटर में दे दें, जो भी सेंटर बनाएं, जो भी आप ध्यान केंद्र बनाएं उसमें समय दे दें, तो उससे युवा महिलाएँ पुरुष जितने होंगे उनके दिमाग को एक दिशा निर्देशन मिलेगा, मन में शांति आएगी, और मन शांत रहेगा तो जो आज इतनी घटनाएं घट रही हैं कि शादी होते ही साल भर में गए दोनों वापस अपने अपने घर, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? मन, सबसे बड़ा कारण मन है, सबसे बड़ा कारण मन है, और इस मन को ही शांत कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज हमारे युवाओं को, आज हमारी महिलाओं को इस बात की ज़रूरत है कि इस तरह के साधना केंद्र स्थापित करके और उन्हें वहाँ से जोड़ा जाए और एक इसकी पूरी एक लहर बनाई जाए। जितने मंदिर बन रहे हैं उसके साथ ही साथ शहर में बने, शहर के अंदर बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, वहाँ कभी कभी कैंप लगाए जाएँ, मेडिटेशन कैंप लगाए जाएँ, वहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाए और लोग रुचिपूर्वक आएँ। ये गारंटी है कि जितनी दवाइयाँ खा रहे हो ना, जितनी दवाइयाँ खा खा के अपना शरीर और ख़राब कर रहे हो, आधा मामला आधा तो हो ही जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे, यहीं की एक जहाजपुर की घटना बताऊं, जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो एक बहन जी को बहुत वीपी था और बहुत बीमार रहती थी, वो बिल्कुल कोई ना बात कर सकती थी ना कहीं जा सकती थी। जब मैं आई तो वो प्रवचन सुनने के लिए आने लगी। अब वो 10-12 गोली रोज़ खाती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रवचन सुना मन शांत हुआ, वचन शांत हुआ,
काया शांत हुई, वीपी अपने आप डाउन होने लगा, ठीक होने लगा। उनने एक दो महीने बाद आके मुझे बताया, बोले माता जी मैं 12 गोली खाती थी, मैंने गोली खाना छोड़ दी। ये प्रैक्टिकल एक नहीं, 50 प्रैक्टिकल है मेरे पास में। यदि इस तरह के साधना केंद्र खोल दिए जाएँ तो इसके माध्यम से काफ़ी लोगों के घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मंदिर में मन लगना शुरू हो जाएगा और जीवन को एक अच्छी दिशा मिल जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, नहीं आई ऐसा लग रहा। अभी इतनी समझ में नहीं आई तो अब क्यों सुनाऊँ? नमो अरिहंताड़म। अच्छा, आप लोग खो गए सुनते सुनते, बोलना भी भूल गए हैं। तो बंधुओं, करेंगे यदि जो हमारे जो समाज के मुख्य कर्णधार हैं वो आके इस बात पे मेरे से चर्चा कर सकते हैं, यदि वो इस तरह की व्यवस्था, महासमिति है, महासभा है, तीर्थ संरक्षी सभा है, तीर्थ रक्षा कमेटी है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, हैं बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, यदि सारे संगठन एक बार इकट्ठे होके यदि इस बात का निर्णय ले लें तो फिर कहीं फिर देर होने वाली नहीं है। पहले एक किराए के कमरे से शुरू कर दो, फिर जब अपना बनेगा तब बन जाएगा, है ना। तो मेरी बात अच्छी लगी आपको? यदि मैं ध्यान शिविर यहाँ पे लगाऊँ तो आप लोग आएंगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन आएगा, हाथ उठाइए। आप ताली बजाते बजाते यूँ करो ना, हाँ बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया? अच्छा, फिर से उठा लो एक बार, देख लूँ मैं। नहीं, पड़ोसी को देख के मत उठाना, मन में वो चीज़ आनी चाहिए, भाव उठने चाहिए मन में, तो ज़्यादा इसमें श्रेष्ठ होगा, है ना। मैं अभी जैसे ही कोरोना थोड़ा और कम हो जाए फिर मैं कोशिश करूँगी कि ध्यान शिविर लगाऊँ और उसमें आप लोगों को इस बात की शिक्षा दूँ। बोलिए 24वां भगवान की। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा बढ़ाना इसका, ब्यावर, अच्छा। दवाइयों में डावर का है, गाँव में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का, शाहपुरा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में शाहपुरा का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हैं, बूंदी, थोड़ा सा बढ़ा। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का, अलौद। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में अलौद का, धर्माबाद। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में धर्मावाद का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में देपालपुर का। ये तो सब हमेशा आने वाले लग रहे हैं मुझे, हाँ ये तो सब पुराने भक्त हैं भगवान के। बूंदी का बता दिया। अहमदनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अहमदनगर का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। तालेड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तालेड़ा का। सुसनेर वाले भी बैठे क्या? जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सुसनेर का। सेलू, जंगल में भालू का, बिहार में, मैंने नहीं कहा, और आने वालों में शैलू का।